बदायूं के बिसौली मार्ग पर तालाब में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। वहीं अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। सुबह सुबह ही इलाके में अज्ञात महिला का शव मिलने के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं मृतका की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के करीब होगी और शव देख कर लग रहा है कि मृत महिला शादीशुदा भी है। यह पूरा मामला बिसौली कोतवाली से 2 किलोमीटर बदायूं रोड पर स्थित मदन जोड़ी के पास बने तालाब का है, जहां मंगलवार सुबह शौच को जा रहे ग्रामीणों ने तालाब में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ देखा तो किसी ने इसकी सूचना डायल 100 पुलिस को दी। उसके बाद अज्ञात शव की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई तो उसे देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम तालाब की ओर उमड़ पड़ा, लेकिन ग्रामीण व पुलिस शव की शिनाख्त नहीं कर पाए। महिला की उम्र लगभग 20 या 22 के बीच होगी। वही मृत महिला शादीशुदा बताई जा रही है। मौके पर पहुंची डायल 100 और थाना पुलिस ने युवती के शव को तालाब से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारण की पुष्टि हो सकेगी। बिसौली में तालाब में अज्ञात महिला का शव मिला, क्या है पूरा मामला? बिसौली कस्बा और मदनजुड़ी गाँव के बीच में बदायूं रोड पर तालाब के किनारे 22-23 वर्षीय युवती की लाश मिली हुई है, जो शादीशुदा है और अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं, पंचायतनामा और शेष विधिक कार्रवाई की जाएगी।